टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। यू पीपल नो अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट की या तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी या गेन करने की टेंडेंसी होगी। अगर कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है, इट मीन इट शो ऑक्सीडेशन। और इसके मुकाबले में जो दूसरी सब्सटेंस होगी या एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो उसको बोलेंगे इट कैन शो रिडक्शन। तो इसी तरह जब एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देता है और या देता है, इनकी जो ईज है टू लूज इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे है तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और अगर ले रहे है तो रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रिडक्शन के इसको बोलेंगे, तो इनकी जो पोटेंशियल होगी उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। इसी तरह जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और उसकी जो पोटेंशियल होगी उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो हम एलिमेंट को अगर अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमें एक लिस्ट मिलेगी एलिमेंट की जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो वी कैन डिफाइन इट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ सीरीज आप नोट करेंगे, इसमें हम एक लेते हैं जी इलेक्ट्रोड और उसकी रिएक्शन देखेंगे उसका और रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिथियम इलेक्ट्रोड शो किया गया है, लिथियम पॉजिटिव ओब्लिक लिथियम एलिमेंट। तो लिथियम की जो लिथियम आयन व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिथियम मेटल, इट मीन इट शो रिडक्शन। अब इस हाफ सेल की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -3.041 वोल्ट। नेक्स्ट जो हाफ इलेक्ट्रोड है वो पोटाशियम का है। व्हेन पोटाशियम आयन गेन इलेक्ट्रॉन इट शो रिडक्शन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम एंड द रिडक्शन पोटेंशियल इज -2.925। अब देखा जाए तो लिथियम आयन का जो लिथियम इलेक्ट्रोड है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है, जबकि पोटाशियम इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। और रिडक्शन पोटेंशियल का जो रिवर्स है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिथियम इलेक्ट्रोड है इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, जबकि पोटाशियम इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कम है। क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन की टर्म में शो करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन की टर्म में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी लिथियम की वो माइनस की बजाय +3.045 वोल्ट होगी, और इसी तरह जो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो +2.925 होगी। तो इस तरह हम यानी कि ये भी इनका कंपेयर कर सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसकी ज़्यादा और किसकी कम। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोड है वो है जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक आयन कैन गेन टू इलेक्ट्रॉन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक सॉलिड एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.763 वोल्ट। और नेक्स्ट जो हाफ इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोड है वो आयरन का है। आयरन आयन इलेक्ट्रॉन लेके आयरन में यानी कि फेरस आयन कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट दीज आर कन्वर्टेड इनटू आयरन एटम एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.440 वोल्ट। और उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन के दो आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करते हैं और इसकी जो
रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़ीरो कंसिडर की गई है। और इसके बाद हाइड्रोजन के बाद, अच्छा जी, इसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोड आ रहे हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल कॉपर इलेक्ट्रोड, व्हेन क्यूपरिक आयन गेन इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.337 वोल्ट। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोड इज सिल्वर इलेक्ट्रोड, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.779। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोड इज फ्लोरीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज 2.870। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉप टू बॉटम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। तो और अगर रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स देखें तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो फिर टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब जो हैं इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव वाले इलेक्ट्रोड, इनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद वाले जो इलेक्ट्रोड हैं इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अबव वाले आसानी से ऑक्सीडेशन शो करना चाहते हैं और शो करेंगे, और जबकि हाइड्रोजन के बाद वाले जो इलेक्ट्रोड हैं वो रिडक्शन शो करेंगे। तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, और इसमें एक एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट। यानी कि जो वेरियस एलिमेंट हैं इनकी किन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि कौन सा आसानी से रिडक्शन शो करना चाहता है और कौन से आसानी से ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना ये हमें हेल्प करती है। तो ये जैसे पहले भी मैंने बोला कि अबव द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द एलिमेंट हैव अ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट मीन दे कैन ईजिली शो ऑक्सीडेशन, एंड द इलेक्ट्रोड आफ्टर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे हैव अ मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड सो दे कैन ईजिली शो रिडक्शन। तो ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कि हम बता सकते हैं कौन से एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करेंगे और कौन से रिडक्शन शो करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टू प्रिडिक्ट वाइदर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन, कि क्या जो मेटल है ये पता करना है कि गिवन मेटल आसानी से एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हमें बताती है, हेल्प करती है। एक्चुअली जब मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करता है इट मीन इट रिएक्ट विद प्रोटॉन। अब जब प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एज अ रिजल्ट वी विल गेट हाइड्रोजन गैस। अब मेटल ऐसा होना चाहिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, आसानी से इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है जो ऑक्सीडेशन शो करेगा। इट मीन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एलिमेंट अबव द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे कैन ईजीली लूज इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और आसानी से एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस। और जबकि आफ्टर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मेटल हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, वो तो गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनकी तो रिडक्शन शो करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब आफ्टर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एलिमेंट कैन नॉट शो रिएक्शन विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और नेक्स्ट जो है ना टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल, नेक्स्ट एप्लीकेशन
टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल। एक सेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी ईएमएफ को कैलकुलेट करना। जब भी कोई हम सेल बनाते हैं ना, तो हाफ सेल, एक दो हाफ सेल पे ये एक सेल कंसिस्ट करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन पे ये हमें फोकस करना पड़ेगा कि किसको हमने एनोड बनाना है, किसको कैथोड बनाना है। एनोड वो लेंगे जिसकी टेंडेंसी होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और कैथोड उनको लेंगे और जिनकी टेंडेंसी टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक सेल दिखाया गया है, सेल दिखाया गया है कि कॉपर का एक हाफ सेल है और दूसरा जिंक का हाफ सेल है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो जो जिंक है ना, जिंक इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर, और कॉपर की लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसलिए कॉपर को एज ए कैथोड हम यूज़ करेंगे और जिंक को एज ए एनोड। तो ये जो पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर मतलब है कि ये इस तरह का अगर हम पिक्चर बनाएं कि लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम कॉपर ले लें और राइट साइड पे जिंक ले लें, इट मीन कॉपर को हमने एनोड बनाया है और जिंक को कैथोड बनाया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका रिवर्स होगा, इस फिगर का रिवर्स होगा। तो जिंक को आप लेफ्ट साइड पे प्लेस करें एज अ एनोड और कॉपर को राइट साइड पे प्लेस करें एज अ कैथोड, देन दिस सेल इज पॉसिबल और इसकी ईएमएफ शुड बी पॉजिटिव। ईएमएफ पॉजिटिव आएगी देन दैट सेल इज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। और यहाँ जो है ईएमएफ कैलकुलेशन का फार्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। यानी कि दोनों हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो पहले हमने उस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल पुट करेंगे जो राइट हैंड साइड पे है जो लिया, और उसको उसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। यह इक्वेशन को आप फार्मूले को करेक्ट कर लेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड आपको मिलेगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, ये करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह रिजल्ट जो है वो ओवरऑल ईएमएफ पॉजिटिव आएगी, देन सेल इज पॉसिबल। तो ये जो अभी हमने जिंक इलेक्ट्रोड और हाफ कॉपर इलेक्ट्रोड वाला जो सेल बनाया है, दोनों हाफ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके, तो इनकी कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल शुड बी पॉजिटिव वन। तो ये अगर इसी फार्मूले को यूज़ करें तो हम एनोड को जो है कॉपर को हम राइट साइड पे लेंगे और जो है जिंक इलेक्ट्रोड इसको हम राइट साइड पे लेंगे, देन दिस सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड इट्स पोटेंशियल वैल्यू ईएमएफ वैल्यू विल बी इक्वल टू यूनिटी। जी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है प्रिडिक्शन ऑफ स्पोंटेनिटी, कि रिएक्शन स्पोंटेनियस है या नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें हेल्प करती है कि अगर दो आप हाफ सेल को कनेक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन स्पोंटेनियस होगा या नॉन स्पोंटेनियस। इसका क्राइटेरिया दिया गया है स्पोंटेनिटी का, कि रिएक्शन स्पोंटेनियस होगा या नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड पोटेंशियल वैल्यू। तो अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन ज़ीरो एंड ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन रिएक्शन विल बी स्पोंटेनियस और वो सेल जो है खुद ब खुद मूव करेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ईएमएफ
of the cell is less than zero, then reaction mixture will be non-spontaneous. And if delta G is equal to zero and electromotive force is also equal to zero, then it means reaction is at equilibrium. Okay, thank you.